नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 22 अक्टूबर सैटरडे यानी शनिवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। आज के दिन जिनका जन्मदिन है उनको मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को आपने ज़रूर करना है। 8 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। काले तिल अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा, बट आज के दिन इस उपाय को ज़रूर करना है आपने। उसमें से 8 मुट्ठी भरनी है काले तिल की और अलग से पैकेट में डाल देना है। इसे आपने शनि मंदिर में किसी भी समय जाकर के चढ़ा देना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको नज़र नहीं लगनी चाहिए। काजल का मम्मी लगाती थी ना छोटा सा तिलक, जब आप बहुत छोटे छोटे होते थे और मम्मियाँ तिलक लगा देती थी कान के पीछे, हम कहते थे कि बच्चों को नज़र नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल आज कुछ ऐसा ही करना है आपने। आपने थोड़ा सा काजल ले लेना है या फिर सूरमा होता है वो ले लेना है, नहीं तो मम्मी का लाइनर ले लेना है, यानी कुछ भी आपने काला तिलक अपने कान के पीछे छोटा सा लगाना ज़रूर है आज के दिन। बाई तरफ यानी लेफ्ट कान के पीछे ये छोटा सा तिलक आपने आज लगा करके रखना है। मिठाई जरूर बांटिएगा, बड़ों को आप जरूर रिस्पेक्ट दीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, छोटों को प्यार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत खुश रहें और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जन्मदिन की। राशियों का हल भी है और साथ के साथ एक लकी विजेता भी आज के दिन चुना जाएगा और लकी अक्षर भी है। और सबसे पहले हाल है गोचर का यानी ट्रांजिट, ग्रहों की सिचुएशन कैसी है। सूर्य तुला राशि में 5 डिग्री के नीच के शुक्र और केतु के साथ रहेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में 26 डिग्री के हैं, मंगल 1 डिग्री के हैं, मिथुन राशि में रहेंगे, बुध कन्या में उच्च के हैं और 23 डिग्री के हैं, गुरु 6 डिग्री के हैं, रेट्रो अवस्था में है, मीन राशि स्वराशि में है, शुक्र 5 डिग्री के अस्त है नीच के सूर्य के साथ और साथ के साथ केतु भी हैं। शनि मकर राशि में रहेंगे, रेट्रो हैं, 24 डिग्री के हैं, राहु मेष राशि में 19 डिग्री के हैं और ये भी रेट्रो अवस्था में, जो कि हमेशा वक्री ही रहते हैं। केतु तुला राशि में लिब्रा में रहेंगे, 19 डिग्री के हैं, नीच के सूर्य के साथ और साथ के साथ अस्त शुक्र के साथ रहेंगे। अब आते बात कि कल का लकी अक्षर बिल्कुल बताएंगे, जल्दी बताएंगे कैसे आपने प्रयोग में करना है, लेकिन सबसे पहले हाल राशियों का लकी विजेता आप इंतजार जरूर कीजिएगा। राशियों की बात कर लेते हैं। पहली राशि मेष राशि, एरीज, परिवार में मतभेद डिस्प्यूट्स लेवल जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा, चोट की चपेट में आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुटकारा मिलेगा आपको। कोई ऐसी खबर आज के दिन आपको जरूर मिलेगी जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी, आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, किसी का दिल ना दुखाएं, मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। जेमिनी यानी मिथुन की बात कर लेते हैं, अपने फैसले खुद लें, ना कि किसी के एस्पेक्ट में आकर के फैसले लें। दूर यात्रा के योग हैं, हर किसी को शक की नज़र से ना देखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का प्रयोग आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं, अहंकार से आपके हर काम बिगड़ेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार जो होता है वो आपको नहीं आना चाहिए। झूठा वादा किसी से ना करें, धन का लेन देन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर, सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं, शुभ चिंतकों का सहयोग आपको मिलेगा, जो आपके वेल विशर हैं वो आपको कहीं ना कहीं आज के दिन सपोर्ट जरूर करेंगे। धन में उन्नति के योग हैं यानी आर्थिक उन्नति के योग हैं, शिक्षा में भी सफलता की पूरी पूरी संभावनाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी, गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं, काम आज के दिन हो सकता आपका रुके, लेकिन इससे आपने अपने मनोबल को नहीं गिरने देना है। धन का लेन देन आप चाहें तो कर सकते हैं, मेहनत आज के दिन आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं।
अब लकी विजेता कौन है जिसकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी, कौन है हमारा विनर? मुकेश जी हैं, मुकेश जी ने कुंडली डाली है और इन्होंने जो प्रश्न किया है, इन्होंने प्रश्न किया है, पहले तो उन्होंने 2015 लिखा है, 7 ईयर ओल्ड डॉटर है इनकी, बिटिया है इनकी, 7 साल की है, लेकिन उसमें उन्होंने डे नहीं लिखा है, तारीख एग्जैक्टली नहीं लिखी है। 2015 का जन्म है और 10:25 शाम का जन्म है। और जो इन्होंने प्रश्न किया, प्लीज़ टेल अबाउट हेल्थ, हाउ इज हर फ्यूचर। अच्छा जी, देखिए सबसे पहली बात तो इनकी हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ का जो स्वामी है वो रेट्रो यानी वक्री आ रहा है, जो कि बीमारियों के कारक भी होते हैं। ज़रा से भी इनके डाइजेशन को लेकर के ज़्यादा दिक्कत इनको हो सकती है। तो एक तो सबसे पहले इन्हें हर शनिवार को कोई काली चीज़ों का दान जो है इनके हाथ से करवाना शुरू कर दीजिए, किसी भी एक शनिवार में, और ख़ास करके अगर शनि अमावस्या आती है तो बहुत ही अच्छा होता है। शनिवार की जो अमावस्या है उस दिन काला धागा ले जाइएगा, शनि देव को चरणों में ये काला धागा जो है छुआ करके उसके बाद आप इस बच्ची के गले में या फिर राइट कलाई में इसे बांध दीजिएगा, इससे बच्ची को नज़र नहीं लगेगी और बच्ची ठीक भी रहेगी। थोड़ी सी जिद्दी चिड़चिड़ी हो सकती है, तंग कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपने खुद थोड़ा सा नरमी से प्यार से पेश आना है इस बच्चे के साथ। अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है तो जो काला धागा आपने डाला होगा उसी के अंदर एक काला लोहे का छल्ला भी किसी भी शनिवार के दिन डाल करके इस बच्चे के गले में डाल दीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो एक मोती रत्न इस बच्चे को पहना दीजिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो बच्चा ठीक भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और फ्यूचर को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इसका ठीक है, ब्राइट है, ये फ्यूचर अच्छा इसका रहेगा। इनफैक्ट पढ़ाई में भी ये ठीक ही रहेगा बच्चा, तो तंग नहीं करेगा पढ़ाई को लेकर के, इतना तंग नहीं करेगा। अभी हो सकता है इनिशियली आपको तंग कर भी रही होगी, परेशान कर रही होगी, बट जैसे जैसे ये ग्रो करेगी, बड़ी होगी, तो आपको और भी ज़्यादा ये सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। बहुत डिफरेंट बच्चा निकलेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग जल्दी घबरा जाते हैं, हम लोग जल्दी सोते हैं कि हर चीज़ जल्दी करते हैं। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट टेक केयर हर हेल्थ, इसके हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बच्ची को हमारी ओर से। और अब बात करते हैं अगली राशि लिब्रा यानी तुला की। कार्यों में अड़चने आ सकती हैं, अपना ज़रूरी सामान ज़रा संभाल करके रखिएगा। यात्रा आपकी अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन, गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, व्यापार में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के योग है, तो आप अटेंटिव होकर के अपने व्यापार की तरफ ध्यान देने के प्रयास करें। खर्च बढ़ सकता है, हाँ जी, फेस्टिवल के दिन है, खर्च तो बढ़ ही सकता है और ये संभावनाएं पूरी हैं। अपना मन शांत रखने का प्रयास करें, विवादों से बचने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम, क्रीम रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं, मानसिक तनाव अपना बढ़ने ना दें, यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा सोल्यूशन निकालने के प्रयास कीजिएगा। कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य है जो नया भी करना चाह रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देकर के उसकी तरफ भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं। धन के लेन देन में ज़रा आज के दिन सावधानी रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, ग्रे रंग का इस्तेमाल आप चाहें कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की बात कर सकते हैं, यात्रा आज के दिन टाल दीजिए या फिर बहुत ही शुभ मुहूर्त देख करके यात्रा आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ बहस ना करें, अपने बिहेवियर में नरमी लाएं, लेकिन अपने हेल्थ का खास करके ध्यान रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं, दोस्तों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों की निंदा ना करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आखिरी राशि मीन राशि पाइसियन, नौकरी में उन्नति के योग है, कोई अच्छी खबर आज के दिन आपको मिल सकती है। धन का लेन देन ज़रा सावधानी से करें, बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं।
लकी अक्षर जो कल के दिन आपने प्रयोग में लाना है। कल है 23 अक्टूबर, रविवार का दिन है और कल है धनतेरस। बहुत अच्छा शुभ संयोग है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोज डाली है मैंने। लकी अक्षर रहेगा आपके लिए च, च अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। सिर्फ जल, कुछ भी नहीं इसमें मिश्रण करना, ओनली वाटर के साथ आपने इस अक्षर को कागज़ पे लिखना है। दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, लेकिन एनर्जी भरपूर होगी। इससे आपका मन भी शांत रहेगा, इससे आपके अंदर इरिटेशन नहीं होगी, इससे आपके फैसले भी सही होंगे, आप खुश भी रहेंगे। तो आपने इस अक्षर का प्रयोग ज़रूर करना है। अगली सुबह जब इस अक्षर का पूरा दिन प्रयोग कर लें, नेक्स्ट डे आपने इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख देना है। खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और कल सुबह 6 बजे फिर से हाजिर होंगी आप ही के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।